जगदम्बे के मेरे द्वारा किए गए जय पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि विषय अनुसार विचारों में कमी रह गई हो, समस्त त्रुटि का क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वर, मेरे द्वारा राज्य शस्त्र अपराध होते रहते, मेरा दास ऐसा समझ के मेरे उन अपराधों का कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं वह नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता, पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, तो मुझे क्षमा करें। हे परमेश्वरी, हे सुदर्शन, मैंने जो मतलीन क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की, वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके जो भी आपकी शरण में आकर जगदम्ब का अगर पुकारता है, स्वगति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के सुलभ नहीं है। जगदम्बे के मैं अपराधियों की जो आपकी शरण में आया है, समय का पात्र जैसे चाहे वैसा करें। परमेश्वरी देवी, अज्ञान से भूल से बुद्धि को भ्रमित होने के कारण मैंने जो नीता कर दिया, सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सत्य स्वरूप परमेश्वरी जगमाता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करें। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करती है, मेरे किए गए द्वारा निवेदन जब पाठ को ग्रहण करें, स्वीकार करें। आपकी कृपा से मुझे सिद्ध सफलता प्राप्त हुई। हे माता, न मैं मंत्र जानता हूँ, निरंतर न स्तुति का ज्ञान है, न ही आवाहन जानता हूँ, न ज्ञान है, न ध्यान की स्रोत कथा की जानकारी नहीं है, न ता की मुद्राएं जानता हूँ, न मुझे व्याकुलों के विलाप करना आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, आपके अनुसार आपके चलना के जब कलेशों को दुख विपत्तियों को हरण करने वाला है, सबकी उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, में पूजा की विधि नहीं आता, मेरे पास धन का भाव में स्वभाव से भी आलसी होता है, ठीक ठीक से मुझे पूजा की संपदा हो भी नहीं सकता, इन सब कारणों से सेवा की त्रुटि होगी और मुझे क्षमा करें, क्योंकि कुपुत्र होना समय किंतु कहीं कुमाता नहीं होती है। माता, इस पृथ्वी आपके सीधे साधे पुत्र तो बहुत से, किंतु समय बालक मेरे जैसे कोई बिरला ही होगा। हे शिवे, मेरा जो त्याग हुआ आपके लिए कदापि उचित नहीं, क्योंकि संसार में कुपुत्र होना संभव किंतु कहीं कुमाता नहीं होती। माता जगदम, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की, देवी आपको अधिक धर्म समर्पित नहीं किया है, फिर मुझे सदम जो आप अनुग्रह स्नेह करती है माता, आप सब एक ही, आप जैसे दयामयी माता ही मेरे जैसे क्या आश्रय दे सकती है। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं को आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवा बिगड़ना पड़ता है, तब इसलिए 85 वर्ष अधिक अवस्था बीच मैंने देवताओं को छोड़ दिया है, अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, तब उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। यदि इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो और मैं किसकी शरण, जो माता और प्रभु के मन का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो इसका फल यह होता है मुख्य चंडा।